जिस वेले अदम एतमाद होया सी उस वेले नून लीग पंजाब स्वीप कर रही थी और इमरान की सियासी हैसीयत जीरो हो चुकी थी। तो मैं इसनू इस अदम एतमाद तो बाद बनने वाली हुकूमत नू उस दिन तो समझ रहा कि यह बहुत वड्डी हमाकत हुई है और एक स्क्रिप्ट इमरान खान वापस लियाउण वाला, लेकिन कोई नून लीगी उस वेले नहीं सी मान रहा। साडा दोस्त कोई जिहड़े जर्नलिस्ट ने या इन्हां दे कारकुनान ने या सीनियर क्यादतां ने वो नहीं सी मान रही। हुण शकूको शुबात का इजहार करन लगे ने, हुण इन्हां नूं दाल काली लगन लग पई है, लेकिन उदों कोई भी नहीं सी मान रहा। हुण बहुत सारे लोग कहण लग पए ने कि जी दाल सारी काली, बई उदों असीं कह रहे सां, तुहानूं समझा रहे सां कि समझ जाओ ये स्क्रिप्ट लग रहा है। और मैं नहीं पता कि इन्नी बेवकूफ़ क्यादत नहीं हो सकती कि इस चीज़ के बदले किस कीमत के उत्ते स्क्रिप्ट जिहड़ा है नून लीग की क्यादत ने कबूल किया। बहरहाल अगर कोई इंज की तब्दीली ये नतीजे आँदी है तो ये समझ लेना कि यह पहले तो तयशुदा एक स्क्रिप्ट सी इमरान वापस लियाउण दा, जिंदे विच अद्धा स्क्रिप्ट ते कामयाबी नाल हो चुक्या मुकम्मल, कि यानी इमरान खान जीरो तो दोबारा 100 ते पहुँच चुकया और नून लीग 100 तो जीरो ते आ चुकी है। लेकिन बाकी रह गया है रिजीम चेंज का इशू, हुकूमत बदलन का हूँ सिर्फ, तो वो एनी टाइम जदों भी इलेक्शन हुंदा है तो कम अज़ कम अज की डेट के विच ते इमरान खान इस पोजिशन से आ चुके हैं कि वह 2/3 मेजोरिटी लै लै। बहरहाल मैं इनू बिल्कुल हकीकी इनकलाब नहीं समझता, लेकिन सियासी बसीरत की कमी जरूर समझना नून लीग ते पीपल्स पार्टी की क्यादत की।